खबरें लगातार जारी हैं। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज कांड से जुड़ी हुई है, जहां पर देखिए उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यह बड़ा अपडेट है। अहमदाबाद के कई होटलों और अपार्टमेंट में की गई है छापेमारी, कुछ होटलों के बंद पड़े कमरों को भी खुलवाया गया है। साबरमती जेल के आसपास के होटल और अपार्टमेंट एसटीएफ की रडार पर है। सोमवार से ही गुजरात में मौजूद है यूपी एसटीएफ की टीम। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि अतीक अहमद के तमाम गुर्गे अहमदाबाद के होटलों में रुकते थे और इसके अलावा अतीक के करीबी आशिक उर्फ मल्ली के ने एक फ्लैट भी किराए पर ले रखा था। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद मोइन, एक तरफ यूपी, बिहार, उसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो छानबीन हो ही रही थी, अब गुजरात से तार कैसे जुड़े, पूरी जरा जानकारी साझा कीजिए। देखिए, उमेश पाल शूटआउट केस में जो नामजद आरोपी हैं, जो फरार शूटर हैं, उनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और ये दायरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हैदराबाद समेत तमाम राज्यों में छापेमारी करने के बाद यूपी एसटीएफ की टीम अब गुजरात पहुंची है। दरअसल गुजरात की जेल साबरमती जेल में ही अतीक अहमद बंद है, उसने वहां अपना अलग साम्राज्य बना रखा है। इसी आशंका के मद्देनजर जो एसटीएफ की टीम है वो आज लगातार तीसरा दिन है जब गुजरात में छापेमारी की जा रही है। तमाम होटलों और जो धर्मशालाएं हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है, जो तमाम बंद पड़े कमरे थे उन्हें खुलवाया गया है। इसके साथ साथ एसटीएफ की टीम को जानकारी मिली है कि जो अतीक अहमद के गुर्गे थे उन्होंने साबरमती जेल के आसपास जो अपार्टमेंट है उनमें से कई फ्लैट किराए पर ले रखे थे। हालांकि आज तीसरा दिन है छापेमारी का, लेकिन एसटीएफ को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। ना तो गुजरात से किसी भी नामजद आरोपी को पकड़ा जा सका है, ना ही किसी फरार शूटर से। वैसे आज भी पूरे दिन एसटीएफ की टीम गुजरात में ही रहेगी, वहां पर तमाम जगहों पर छापेमारी करेगी और जो मददगार है उन मददगारों को तलाशने का काम अब एसटीएफ की टीम कर रही है। इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका मोइन। यहाँ पर ऐसी जो पूरी साजिश थी, बरेली जेल के आसपास भी नजर आई थी, यहाँ फ्लैट लिए गए थे, उसके आसपास गुर्गे रह रहे थे, कुछ ऐसी पुलिस को शक है कि यहाँ पर नजर आ सकता है। और सीधा रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको बता दें, जहां इमरान की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर बवाल देखने को मिल रहा है। लाहौर में जमान पार्क में एक बार फिर पुलिस की भारी गोलीबारी हो रही है। सुबह सुबह इमरान के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हुई, इमरान खान के घर के पास गोलीबारी भी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर अफरा तफरी देखने को मिल रही है। ये लाहौर के जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर गोलीबारी देखने को मिल रही है। रात भर से ही यहां पर इमरान खान के समर्थक डटे हुए हैं और रात भर में रुक रुक कर इमरान खान के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़पें देखने को मिली है। पुलिस यहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है ताकि हालात बेकाबू ना हो, लेकिन फिलहाल हालात संभलते हुए ही नहीं दिख रहे हैं। इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन इस बीच वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं इमरान खान, अपने समर्थकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की सरकार का आरोप है इमरान खान पर और यहां इमरान समर्थकों और पुलिस वालों के बीच एक बार फिर झड़प की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त हो गया है तेज तर्रार फटाफट अंदाज में 80 खबरों का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। तो आइए शुरू करते हैं 8 मिनट में 80 की स्पीड से खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एबीपी न्यूज पर खुलासा। एबीपी न्यूज से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, मूसेवाला की हत्या गोल्डी बरार ने करवाई। एबीपी न्यूज पर बोला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कहा सिद्धू मूसेवाला करता था एंटी गैंग को सपोर्ट, हमारे विरोधियों को सिद्धू ने किया मजबूत, इसलिए मार डाला। एबीपी न्यूज पर लॉरेंस बिश्नोई का खुलासा, कहा मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग मेरी नहीं थी लेकिन मुझे हत्या का पता था। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज से कहा, सलमान खान ने हमारे समाज का अपमान किया, सलमान को माफी मांगनी चाहिए नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। पंजाब की बठिंडा जेल के सुपरिंटेंडेंट का दावा, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ना तो बठिंडा जेल में हुआ ना पंजाब की किसी जेल में हुआ। बीजेपी नेता राजकुमार विरका ने कहा, जेलों में गैंगस्टर को दी जा रही है 5-स्टार फैसिलिटीज, सीएम केजरीवाल की चिंता छोड़, भगवंत मान को पंजाब संभालना चाहिए। अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने कहा, जब सीएम मान के पास जेल महकमा तो इंटरव्यू कैसे हुआ, पंजाब सरकार दे जवाब। अकाली दल के नेता अर्शदीप कलेर ने सीएम भगवंत मान का मांगा इस्तीफा, कहा जेल महकमा सीएम के पास नैतिकता के आधार पर दें इस्तीफा।
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्या ने ट्वीट कर कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा इंटरव्यू से साफ हुआ कि मूसेवाला की हत्या कांग्रेस की शह पर हुई। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल। कहा जेल से गैंगस्टर के इंटरव्यू के बाद सीएम मान को इस्तीफा देना चाहिए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू राबड़ी और उनकी बेटी मीसा भारती समेत 16 आरोपी तलब। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज। तीसरी बार भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई ने जारी किया है नोटिस। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में शामिल होने का है आरोप। बीजेपी एमएलसी सड़क पर उतरे। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू से ईडी आज करेगी पूछताछ। फिलहाल बुच्ची बाबू को मिली हुई है जमानत। के कविता से हो चुकी है पूछताछ। संसद में जारी गतिरोध के बीच बड़े एक्शन की तैयारी में विपक्ष। आज संसद से ईडी दफ्तर तक निकाल सकते हैं मार्च। राहुल गांधी हो सकते हैं शामिल। अदाणी मसले पर आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक। साझा पत्र पर सभी दलों से करवाए जाएंगे हस्ताक्षर। जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग। बजट सत्र के दूसरे दिन भी नहीं चल सकी सदन की कार्यवाही। लंदन में राहुल गांधी के बयान और अदाणी मुद्दे पर आज भी पार्लियामेंट में हंगामा। तीसरे दिन भी हंगामे के आसार। विदेश से आज वापस लौटेंगे राहुल गांधी। संसद की कार्यवाही में हो सकते हैं शामिल। लंदन में दिए बयान को लेकर बीजेपी कर रही है माफी मांगने की मांग। अदाणी मसले पर बात नहीं करना चाहती मोदी सरकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगाया आरोप। कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी संसद में कर रही है हंगामा। जेपीसी की मांग पर बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान जेपीसी तो बहाना है मोदी को गाली देना है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार मामले में संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान होगा दर्ज। विशेषाधिकार समिति के सामने आज होंगे पेश। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 18 लाख कर्मचारियों की हड़ताल जारी। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ की बैठक। कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का नुकसान ना हो ये जिम्मेदारी सरकार की है। ये लोकहित वाली सरकार है। हड़ताल को लेकर आदित्य ठाकरे ने साधा शिंदे सरकार पर निशाना। कहा पुरानी पेंशन योजना को लेकर हर कोई सड़क पर है। महाराष्ट्र में समाज का कोई भी तबका खुश नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का बीएमसी ने किया समर्थन। महानगर पालिका के कई यूनियन प्रदर्शन करते आए नजर। नवरात्र के दौरान यूपी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का होगा पाठ। हर जिले को 1 लाख का फंड देगी योगी सरकार। 22 मार्च से शुरू होंगे नवरात्र। योगी के आदेश पर विपक्ष ने पूछा और मजहबों के पूजा पाठ को तवज्जो क्यों नहीं। कांग्रेस बोली बेरोजगार और गरीबों का पाठ कब सुनेगी सरकार। नवरात्र के दौरान धार्मिक आयोजन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम जिनको आपत्ति होगी उनसे कहूंगा वो भी ये काम करें। उनके दिमाग में जो तमाम गंदगी भरी है वो सब निकल जाएगी। नवरात्र मनाने के फैसले पर अखिलेश यादव का तंज। कहा इतनी कम रकम से होगा क्या। 1 लाख नहीं कम से कम 10 करोड़ देना चाहिए जिससे सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। यूपी में धार्मिक आयोजन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया है। इससे सरकार अपने खर्चे पर पाठ कराने पर मजबूर हो गई। संत समाज ने किया योगी सरकार के फैसले का स्वागत। कहा इससे एक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगी। इससे आम जनमानस का कल्याण होगा अच्छी पहल है। हिमाचल में विधायक निधि बंद करने पर बवाल बढ़ा। विपक्ष से ने नारेबाजी के साथ सदन से किया वॉकआउट। बजट सत्र का था कल पहला दिन। 20 मार्च को कर्नाटक जाएंगे राहुल गांधी। बेलगाम में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। राज्य में अप्रैल मई में होने वाला है विधानसभा चुनाव। 9 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी में मोदी सरकार। तैयारियों को लेकर कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में कमेटियां बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 45 मिनट तक चली दोनों नेताओं के बीच बैठक। विकास कार्यों और संगठन को लेकर हुई चर्चा। 25 मार्च को योगी सरकार के हो रहे हैं 2 साल पूरे। सरकार लोगों को अपनी उपलब्धियां बताएगी। सभी जिले के प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुंबई महाविकास अघाड़ी का संयुक्त सम्मेलन आज। उद्धव ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार अजीत पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले होंगे शामिल।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़े लिखे होते तो सिसोदिया को जेल नहीं भेजते। मध्य प्रदेश में सभी 203 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया ऐलान, भोपाल में कल रैली को किया था संबोधित। आरएसएस सरकार बाद दत्तात्रेय होस बोले का बयान, राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकिन सोच समझकर बोलना चाहिए, राहुल ने लंदन में आरएसएस पर साधा था निशाना। काशीराम की जयंती आज, लखनऊ के बीएसपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, मायावती होंगी शामिल। अपराध पर लगाम लगाने के लिए मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान, गुंडागर्दी करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। बिहार के शिक्षा मंत्री की हुई फजीहत, विधान परिषद में जेडीयू नेता, उन्हें नहीं बोलने दिया, रामचरितमानस पर बोलना चाहते थे चंद्रशेखर, आरजेडी ने भी नहीं दिया साथ। लंदन में दिए राहुल गांधी के बयान पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, भारत को बदनाम कर रहे हैं राहुल, संसद में हर किसी को बोलने की आजादी। कुंतल घोष और शांतनु बैनर्जी को टीएमसी ने पार्टी से निकाला, प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में किया था गिरफ्तार, शांतनु से ईडी कर रही है पूछताछ। शिवराज के मंत्री का बयान, जो नेता गाय पाले उसे ही मिले चुनाव लड़ने का अधिकार, गौसेवा के लिए सरकारी कर्मचारी से हर महीने लिए जाए 500 रुपए। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ के गुजरात के अहमदाबाद में छापे, सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद के गुर्गे अहमदाबाद के होटलों में ही रुकते थे। अतीक अहमद के लापता नाबालिग बेटों के रहस्य पर आज उठ सकता है पर्दा, सीजीएम कोर्ट में सुनवाई, यूपी पुलिस कोर्ट को सौंप चुकी है रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की अर्जी पर सीजीएम कोर्ट में सुनवाई, आज याचिका दायर कर मांग की है कि बरेली जेल से प्रयागराज की कोर्ट न लाया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सुनवाई। प्रयागराज शूटआउट में बर्खास्त पुलिसकर्मी, एहतशाम की जांच एजेंसियों को तलाश, एहतशाम से खुल सकते हैं अतीक के कई राज, जांच एजेंसी ने कौशाम्बी पुलिस से मांगी मदद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के गुर्गे फहद उर्फ वसीउर रहमान की जमानत अर्जी खारिज की, 9 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जनवरी 2022 में हुई थी गिरफ्तारी। बिहार के छपरा में आरजेडी नेता सुनील कुमार राय का नकाबपोश, बदमाशों ने किया अपहरण, सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घर के पास से ही बदमाशों ने किया अगवा। बिहार के मुजफ्फरपुर में मिले 3 टाइम बम और नशे की खेप के आरोपी जैकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस ने जैकी को कोलकाता से किया अरेस्ट, कोर्ट ने भेजा जेल। हर की पैड़ी पर 2 लड़कियों का फिल्मी वीडियो वायरल, साधु संतों ने जताई आपत्ति, प्रशासन ने यहां रील बनाने पर रोक लगाई। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर ड्रम में मिला महिला का शव, 3 लोग रिक्शे में ड्रम रखकर लाए और फेंक दिया, पहले भी हुई ऐसी वारदात। यूपी के बस्ती में अवैध धन परिवर्तन करवाने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, महंत राजूदास ने ट्वीट कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। केदारनाथ मंदिर तक जाने के रास्ते से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा, करीब 7 किलोमीटर रास्ते से हटाई गई है बर्फ, धाम में अभी भी 5 फीट तक बर्फ जमी। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, फिसलन बढ़ी, तेज गिरे ओलों से और लोगों को लगी चोट। उत्तराखंड के पौड़ी में बदला मौसम, तेज बारिश से 2 डिग्री गिरा तापमान, फायर सीजन में जंगलों में आग की चुनौती पर बारिश राहत बनकर बरसी। यूपी के आगरा में तेज आंधी के साथ बारिश, ओले गिरने से किसानों की गेहूं सरसों और आलू की फसलों को भारी नुकसान, कर्ज में डूबे किसान परेशान। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।